जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना का कहर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज भी 107 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें एआरटीओ दफ्तर के 5 लोग भी शामिल हैं। आज भी गांव व शहर सभी जगह संक्रमण मिला है। आज जो संक्रमित मिले हैं उनमें 5 एआरटीओ दफ्तर के लोग शामिल हैं। इनमें एक आरआई समेत 3 बाबू व 1 चपरासी है। कल एआरटीओ खुद भी संक्रमित मिले थे, इसी कारण एआरटीओ दफ्तर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण बढ़ने का कारण लोगों द्वारा अपना संक्रमण छुपाना भी है। ऐसा ही एक मामला शहर में शिवचौक के पास मशहूर ढाबे से भी सामने आया है। इस ढाबे पर शहर के आम और खास सभी रोज जाते हैं। परिवार में भी कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन उन्होंने किसी को बताना उचित नहीं समझा और चुपचाप अपना इलाज कराते रहे, जबकि परिवार के लोग ढाबा चलाते रहे। उनके संपर्क में आकर कितने लोग संक्रमित होंगे, इसका किसी के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार की लापरवाही संक्रमण फैलने का मुख्य कारण बना हुआ है। आज नगरपालिका परिषद के एक सभासद पति और ज्योति से भी संक्रमित पाए गए। आज 64 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद जिले में 783 एक्टिव केस हो गए। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि आज 212 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 107 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 4 टूडे नेट, 93 रैपिड एंटीजन टेस्ट, 10 प्राइवेट लैब से पॉजिटिव मिले हैं। आज मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एआरटीओ दफ्तर के 5 लोग भी शामिल है, जिनमें 1 आरआई, 3 बाबू, 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है। इसी प्रकार रोडवेज बस स्टैंड से भी 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि गांधी कॉलोनी से 1 संक्रमित मिला है। इसी प्रकार आदर्श कॉलोनी से 3, हनुमान चौक से 3, सूरज विहार से 1, भोपा रोड नई मंडी से 2, साउथ सिविल लाइन से 1, पटेल नगर से 2, मानसरोवर कॉलोनी से 1, अग्रसेन विहार से 1, आर्यपुरी से 2, मल्लुहपुरा से 1, आबकारी मोहल्ला से 2, जाट कॉलोनी से 1, गंगारामपुरा से 4, रामपुरम से 1, हरिवृंदावन कॉलोनी से 1, ब्रह्मपुरी से 2, जिला जेल से 5, नॉर्थ सिविल लाइन से 1, अग्रसेन विहार से 1, ए टू जेड कॉलोनी से 1, नई मंडी से 1, एलआईसी ऑफिस से 1, कंबलवाला बाग से 1, धर्मपुरी से 1, सदर बाजार से 2, छपार से 1, अलमासपुर से 2, कुकड़ा से 1, वहलना से 3, अंकित विहार से 1, नंगला बुजुर्ग से 1, गादला से 3, रहकड़ा से 4, मीरापुर से 1, अस्थायी जेल कवाल से 23, जागाहेड़ी गाँव से 1, बघरा के गाँव लड़वा से 1, अलीपुर अटरेना से 1, बुढ़ीना खुर्द से 1, निर्धना से 1, अकबरगढ़ चरथावल से 1, गोयला से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा अबूपुरा से 1, नई मंडी से 2, जानसट रोड से 2, इमामबाड़ा से 1, मल्लुहपुरा से 1, पटेल नगर से 1, हैदरनगर, जलालपुर से 1, मेरठ लैब से भी 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही 64 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी तक कुल 1566 मरीज होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अब जिले में 783 एक्टिव केस है। ताज़ा और तेज़ खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।